और ये यम्मीएस्ट सैंडविच रेडी है। ओके गर्ल्स, यम्मीएस्ट केक। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में गरम गरम केक, इसके ऊपर चॉकलेट सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेंड एडिक्शन। गाइस, सैंडविच मेकर का डेमो देने लगे हैं आप लोगों को। दोनों एक ही ब्रांड के हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा बड़ा साइज है, जिसमें आपको ज्यादा एक्स्ट्रा स्टफिंग वाले जो लोग हैं ना मेरी तरह के, जिनको अंदर कुछ सामान चाहिए उनके लिए, और ये वो जिनको कम स्टफिंग पसंद है। और सैंडविच ब्रेड इसके ऊपर नहीं आएगी, इसके ऊपर आपकी सैंडविच ब्रेड भी आ जाएगी। ये नॉर्मल ब्रेड का स्लाइस है, ये मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इसके ऊपर पूरा, ये नहीं है कि किनारे वगैरह बाहर आएंगे तो ये इस तरह से, ये वाला नॉर्मल ब्रेड का स्लाइस है और ये आप इसके साइड पे देख सकते हो। यहाँ पे आपकी वो सैंडविच ब्रेड वाला भी आप लोगों ने काम करना हो ना, इजीली आप कर सकते हो। चलो अब मैं आपको ना इसका आज हम आपको डेमो करके दिखा रहे हैं। क्वालिटी वगैरह इसकी अच्छी है, जो इसमें डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ब्रांड बहुत अच्छा है, सिम्बो का 1000 वॉट्स में है, स्टेनलेस स्टील में इस तरह से ये बना हुआ है। क्वालिटी वगैरह भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये तो आउट क्लास सैंडविच है ना, सैंडविच मेकर है। ये ऐसी चीज है ये वाला कि जिसको आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाओगे, इस तरह वाली चीज है। अच्छा, अब हम रेगुलर सैंडविच बना बना के थक गए, तो मैंने कहा आज कुछ डिफरेंट, आज हम इसके अंदर केक बनाएंगे और हम इसके अंदर जो है ना एक डिफरेंट सैंडविच ट्राई करने लगे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा, मैंने क्या किया, एक अंडा इसमें तोड़ लिया, उसमें मैंने जो आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स है वो डाल दो, कैप्सिकम है, टोमेटोज है, अनियन है, इसमें मशरूम्स है, इसमें इस तरह से मैंने डाल दिया। और आप ये देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे भीगा भूगा, और इसी के अंदर मैंने ब्रेड को सॉक कर लिया, फिर ना वो अच्छा मज़े का बन जाएगा जब इसमें ब्रेड सॉक हुई होगी ना। अच्छा, अब मैं इसको इस पर करके थोड़ा सा, जब मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं ना, मुझे बहुत ही कुछ होता है। अच्छा, ये देखो, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया इसी ब्रश से। आप सिलिकॉन के ये यूटेंसिल्स भी ले सकते हो हमसे, गर्म चीज़ के ऊपर जो है ना वो बड़े अच्छे वो हो जाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा ऑन भी कर लेंगे, पूरा ही ऑन करना है, थोड़ा ऑन नहीं करना। अच्छा, ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इस पर फैला लिया, मुझे चम्मच देना, ये देखें, ठीक है। आप खाली ऑमलेट बनाना चाहो ना, तो आप खाली ऑमलेट भी इसके अंदर बना सकते हैं। एक किस्म का ना आपके पास एक बेकिंग वो आ जाती है, जिसके अंदर आप कुछ भी बनाना चाहो आप बना सकते। अब ये मैंने एक इसके ऊपर रख दिया अपना स्लाइस, इसके ऊपर मैं डालूंगी चीज, ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने मोजरेला चीज ली है। ओके गर्ल्स, चीज़ आपने उतनी डालनी जितनी आपको पसंद है, या ना भी डालें वो आपकी मर्जी है। अच्छा, एक स्लाइस भी रख देंगे, ये देखो, ये एक आ गया स्लाइस भी हमारा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये वाला अपना स्लाइस रखेंगे, ये वाली हमारी ब्रेड, ये देखें। ब्रेड को सोक करके बनाओ ना, तो वो बड़ा वो अच्छा बनता है, मतलब वो अंदर तक सॉफ्ट बनता है। ये मैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे डाल देती, ठीक है, जैसे आपको पसंद है। अंडा तो पूरा डाल दे, जितनी वेजिटेबल्स आप ऊपर की साइड पे रखना चाह रहे हो उतनी रख दो। ये देखो, ठीक है, वीडियो लंबी नहीं वैसे मैं करना चाहती, अब मैं अपने हाथ धो के इसको बंद करूंगी। ओके गर्ल्स, ये हमने जो है ये देख लो, ठीक है, अब मैं इसको करने लगी हूँ बंद। और नॉर्मल सैंडविच की तरह ये देखो, अब एक सैंडविच बन जाएगा जिसके अंदर चीज की स्टफिंग है, अंडा वगैरह उसकी ब्रेड के अंदर ही सोक हुआ है, ब्रेड ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से ऐसे बहुत ही सॉफ्ट सी बनेगी, बच्चों को दे बड़ा मजे का ये सैंडविच बनेगा। इसके अलावा आपने इसके अंदर भी कोई स्टफिंग करनी आप कर सकती हो, जैसे आपने कोई टिक्का बोटी मसाला वगैरह वो वाली चीज करनी हो वो भी आप कर सकती हो। केक बनाने उसके लिए बड़ा अच्छा है, खाली ऐसे करके ऑमलेट को इस तरह से फेंटा इसमें डाला, चलो जी पैन केक वाले मटीरियल हो गए, जो आपने करना है करो। ये लो, बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें केक बना के दिखाएंगे, इसकी लाइट अभी जब आएगी तो आपको दिखाते हैं। और ये यम्मीएस्ट सैंडविच रेडी है, ये देखें, बहुत मज़ेदार सा सैंडविच, और इसके अंदर चीज़ भरी हुई है। आपकी मर्जी, आपने जैसा भी सैंडविच बनाना है तो आप बना सकते हो। अब इसको हम जो है वो निकाल लेते हैं उसमें, ठहरो जी, ये कैमरा ज़रा पकड़ना,
आ गई हमारी प्लेट और ये बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। चीज़ की इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू, मज़ेदार सी। बच्चों को इसके ऊपर केचप डाल के दें, ये देखो। ठीक है, बच्चे खुश हो गए। अब हम बनाने लगे हैं इसमें केक। पहले हम इसको जो है वो साफ़ कर लेंगे, इसकी प्लेट्स को ऐसे करके साफ़ कर लेते हैं। मैंने ऑयल बहुत ही थोड़ा सा बस प्लेट्स को ऐसे करने के लिए, ये देखें। ठीक है, लगा लिया हमने। चलो जी, अब हमने ये ले लिया केक का मिक्सचर और इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। देखते हैं और डालने की ज़रूरत है या नहीं है, वो आपने देख लेना। आप सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे, इजी नाश्ता है ये, नहीं है आप ना, आपके पास गैस नहीं आ रही, आपने एक वो अंडा जो वो होता है ना फ्राइड एग, वो भी इसमें तोड़ो और बन जाएगा। उसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं, सारा कुछ बन जाएगा। क्योंकि प्लेट्स में जगह है तो मैं थोड़ा थोड़ा और डाल देती हूँ, थोड़े ओवरलोडिंग ही सही। देखते हैं ओवरलोडिंग का क्या नतीजा होता है। ठीक है, ओवरलोडिंग थोड़ी थोड़ी कर दी हमने, इसकी भी ओवरलोडिंग थोड़ी सी कर देते हैं। मिक्सर मेरा पड़ा हुआ है ना, ये देखो। चलो ठीक है जी, ओवरलोडिंग हो गई है और अब इसको करने लगे हैं हम बंद। चलो ये रेडी होता है तो दिखाते हैं आपको। ओके गर्ल्स, यम्मीएस्ट केक। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में गरम गरम केक, इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाले। अब मैंने यहाँ रखी नहीं हुई वरना मैं डाल देती। मज़ेदार तरीन केक हमारा रेडी हो गया। चॉकलेट सॉस तो पकड़ के लेकर आना जरा 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 जरा। अच्छा जी, ये देखो। ठीक है, थोड़ा सा वैसे मेरे ख्याल से और स्टफ कर देते ना तो वो और ज्यादा वो हो जाता, लेकिन ऐसे भी बहुत देखो मज़ेदार है। आप लोग इसे बाय कीजिए, बहुत शानदार एक किस्म का। आपके पास ना इसकी क्वालिटी इतनी शानदार है, आपके पास एक ओवन है, आप इसको जैसे मर्जी यूज करो। बड़ी सैंडविच ब्रेड रखो, अच्छे से स्टफिंग करो, जितनी मर्जी स्टफिंग आपको पसंद है आप वो कर सकते हो। और ये देखो, ये मज़ेदार, ये ब्रेकफास्ट टाइम आपका बहुत इजी हो जाता है। केक बनाओ, ये हमने सैंडविच बनाया, ये देखो सैंडविच बनाओ, जो आपने खाना है वो आप बनाओ। दूसरा जो एक वो हम एक रवायती सैंडविच कह लें वो बनाते हैं, वो बनाना है आप वो बना सकते हो। डिफरेंट टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो, इवन कि आपने कोई अंडा ऐसे ही तोड़ के इसमें बनाना आप बना लो। डिफरेंट जो भी आपको इसी के अंदर, इस तरह से मशरूम वगैरह डाल के, जिस तरह का ब्रेकफास्ट आपको पसंद है आप हर चीज़ बना सकते हो सैंडविच मेकर इस तरह से होता है। और इसकी क्वालिटी आपको चेक कराइए, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, बड़ा साइज़ है। ज़रूर बाय कीजिए और आउटलेट पे आए, इसे इसकी क्वालिटी चेक करें फिर इसे लें, या फिर पूरे पाकिस्तान में आप इसे मंगवा सकते हो कैश ऑन डिलीवरी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।